सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, कई सारी दवाएं खाते हैं फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है। इस कंडीशन में आप किस दवा का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे इसे लिया जाता है, साथ ही साथ क्या परहेज रखने चाहिए, पूरी जानकारी पाने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। यदि आप फ्री कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे एवरीडे 7 PM पर मैं लेकर आती हूँ। इसके अलावा पेड कंसल्टेंसी के लिए आप लोग डिजायरेबल टाइम के अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रीटमेंट प्लान बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9305024291। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है साइजेमियम जंबोलिकम। अब हम बात कर लेते हैं ये दवा के बारे में। आप में से कई लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना है तो आप लोग जानते जरूर होंगे, क्योंकि ये है जामुन से बनने वाली दवा। जामुन एक फल होता है जिसे हम में से कई लोगों ने खाया है और आई थिंक सभी ने खाया होगा और काफी टेस्टी भी लगता है। इस जामुन के अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, खास तौर पे जिन लोगों को डायबिटीज होता है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, उनमें यदि आप जामुन खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है और आपको हेल्दी रखता है, आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल करता है। तो आप लोगों को जामुन जरूर से खाना चाहिए, लेकिन जामुन हर सीजन में नहीं मिलता है। अब आपको हर सीजन में नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। होम्योपैथी में इसके लिए जामुन से तैयार की जाने वाली ये बहुत ही अच्छी दवा है और ये इस नाम से आती है, आप लोग देख लीजिए, साइजेमियम जंबोलिकम के नाम से आती है और ये है मदर टिंचर उसका, तो साइजेमियम जंबोलिकम क्यू इस नाम से आपको ये मदर टिंचर होम्योपैथिक में मिल जाता है। यदि आप में से कोई भी शुगर का मरीज है वो इस दवा को ले सकता है। दवा को कैसे लिया जाता है? दवा को मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, लिक्विड फॉर्म में ये मेडिसिन की, और इसको आपको आधे कप पानी में 20 बूंदें मिलाकर खाना खाने के आधे घंटे पहले दिन भर में 3 बार पीना है। तो जिन लोगों को ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, उन सभी कंडीशन में ये दवा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं परहेज की। आपको परहेज जरूर रखने चाहिए, क्योंकि शुगर की बीमारी होती है आपके एक खराब खान पान वाली हैबिट से, एक बैड लाइफ स्टाइल से या किसी तरह की कोई स्ट्रेस से। तो आपको अपना डाइट इम्प्रूव करना है, आपको भूखे ज्यादा देर तक नहीं रहना है और ऐसी चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहती है उसे कम सेवन करिए। आप उसके लिए मल्टीग्रेन रोटियां ले सकते हैं, ताकि आप बहुत ज्यादा सिर्फ गेहूं गेहूं ना खाएं। मल्टीग्रेन में आप चने, बाजरे, ज्वार, मक्के, इसके आटे को मिला करके रोटियां बनाएं, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके साथ आप लोग फलों में जामुन का प्रयोग, अमरूद का प्रयोग, एप्पल का प्रयोग, सेब का प्रयोग, इन फलों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, पपीते का प्रयोग, ये सब भी आप फलों को शामिल कर सकते हैं डाइट में। आलू, चावल, चीनी, इन चीजों से परहेज रखिए और एक अच्छी डाइट जरूर से मेंटेन करें, ताकि आपको बॉडी में कमजोरी ना आए और साथ ही साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज, योग, व्यायाम और आप लोग टहल सकते हैं, ताकि आपकी लाइफस्टाइल मैनेज हो सके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ सके और अगर आपकी स्टार्टिंग फेज है तो आप लोग बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। यदि आप ठान लें तो आप लोग अपने खान पान में परिवर्तन करके
और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करके, एक्सरसाइज वगैरह करके, साथ में नेचुरल मेडिसिन लेकर इन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।